गुड मॉर्निंग ऑल। अब तक के जो सेशन था उसमें हमने इंडियन एग्रीकल्चर को स्टार्ट करा था। दो लेक्चर ऑलरेडी हम इंडियन एग्रीकल्चर पे कवर कर चुके हैं। उसमें हमने डिफाइन करा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, व्हाट इज एग्रीकल्चर। उसके बाद फिर हमने सेकंड टॉपिक कवर करा था, मेजर क्रॉप्स ऑफ द इंडिया। दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, उसी मेजर क्रॉप ऑफ द इंडिया को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने अब तक वो दो लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो दो लेक्चर देख के आप आइए। ये लेक्चर तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका एग्रीकल्चर होलिस्टिकली कवर हो जाए, यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए, चाहे वनडे एग्जामिनेशन किसी के लिए भी आप कर रहे हो, हम बड़े एक्सटेंसिवली डिटेल में पढ़ रहे हैं। और अगर आप चाहते हुए सारे टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरे हों, तो पहले वो सारे वीडियो देख के आइए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उससे पहले आप सभी मुझे ये बताएंगे कि ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं वो क्लियर है या नहीं, और जो मेरी वॉइस है वो आपको क्लियर आ रही है या नहीं। कोई भी डाउट है या जो वॉइस में प्रॉब्लम है या तो फिर विजिबिलिटी में कोई इशू है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अभी, ताकि जो लेक्चर है उसमें ज्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्यादा टाइम हम खराब नहीं करते, लेकिन इससे पहले एक और चीज है कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर जो चीजें हैं समझ तो आ जाती हैं सारी चीजें, लेकिन याद नहीं रख पाते। तो आप आपके सामने क्या करोगे, पेन लेके, पेन कॉपी लेके जरूर बैठना, ताकि आप चीजों को नोट कर पाओ। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हूं, हालांकि स्लाइड्स ओनली इंग्लिश में हैं, बाद में जाके हिंदी में ही मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आप जब लिखोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि जब ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा इशू हमारा यही आ रहा है कि हम सो जाते हैं। आधा एक घंटे मन लगता है, 15-20 मिनट मन लगता है, उसके बाद व्हाट्सएप वगैरह काफी सारी नोटिफिकेशन आ जाते हैं और हम वहां से भटक जाते हैं। तो सिंपल सा फंडा हमने याद रखना है कि पेन कॉपी लेके बैठना है और कमेंट करते रहना है जो भी क्वेश्चन हमारा आता है उस पे। तो कल वाली बात है कल वाला लेक्चर है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। पहला जो हमारी कैटेगरीज ऑफ द क्रॉप्स थी, उसमें से हमने सबसे पहले फूड क्रॉप में डिवाइड करा था। फूड क्रॉप मतलब जो किसान है वो खाने के लिए उगाता है वो क्या होती है, फूड क्रॉप्स होती है। दूसरा है कैश क्रॉप। कैश का मतलब होता है नगदी फसलें। ये फसलें क्यों उगाई जाती है, इनका उद्देश्य बोई जाती हैं। तीसरा जो आपके पास है प्लांटेशन क्रॉप, ऐसी क्रॉप्स जो प्लांट के रूप में उगाई जाती हैं, जो पौधों के रूप में विकसित करी जाती हैं, इनमें अधिकतर कमर्शियल क्रॉप ही होती हैं, क्लियर, कैश क्रॉप ही होती हैं। लेकिन इनका जो क्रॉपिंग सीजन होता है वो 6 महीने से लेके 1 साल तक का होता है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर क्रॉप, मतलब जो बागवानी फसलें हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। ये चारों में से जो फूड क्रॉप्स थी वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। राइस हमने पढ़ा था, जिसमें गोल्डन राइस मैंने आपको पढ़ाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना। जब फूड फोर्टिफिकेशन हम करते हैं उसमें विटामिन ए के सिंथेसिस को हम बढ़ा देते हैं, उन राइस को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस बोलते हैं, येलो कलर के दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था वीट के बारे में। जैसे हम वीट के बारे में जाते हैं तो सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश था, शायद आपको पता होगा। इंडिया की मोस्ट स्टेपल क्रॉप है, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, और उसके बाद भी ग्रीन रेवोल्यूशन है जिसका संबंध जो है वीट प्रोडक्शन और पैडी प्रोडक्शन, इन दोनों को बढ़ाने से है। ये बात हमने याद रख ली, ये कल हमने डिटेल में पढ़ा था, इसलिए हम फिर से इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट जो आपकी क्रॉप थी वो आपकी कौन सी, मिलेट्स या मोटा अनाज। मोटे अनाज के अंदर मैंने आपको बताया था ज्वार, बाजरा, रागी, इनको हम जो है न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं। न्यूट्री सीरियल्स का मतलब क्या होता है, पोषक तत्वों वाली जो फसलें होती हैं उनको हम न्यूट्री सीरियल कहते हैं। तो ऐसे जो मोटे अनाज होते हैं इनमें फाइबर की मात्रा, विटामिन्स की मात्रा जो होती है, प्लस जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं। लेकिन इनका जो टेक्स्चर होता है, इनका जो कण होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, दरदरा टेक्स्चर होता है, इसकी वजह से इसे हम यूज नहीं करते, लेकिन भारत सरकार इसको यूज को प्रमोट करना चाहती है। अब उसका हमने देखा था कहां प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था मेज मतलब भुट्टा, ये भुट्टा हम पढ़ रहे थे, स्वीट कॉर्न का हमने डिस्कस करा था, और मैंने आपको बताया था कर्नाटका इज लीडिंग प्रोड्यूसर, और पूरी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस करी थी। अब उसका मेज के बाद जैसे हम जाते हैं तो फिर मैंने आपको बताया था पल्सेस मतलब दालें। दालों का जो उत्पादन है हम क्यों करते हैं, कारण क्या है, दो कारण मैंने आपको बताए थे। पहला कारण यह है कि हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वी नीड प्रोटीन फॉर द एसेंशियल ग्रोथ एंड एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो दाल में पाए जाते हैं। दूसरा जो है कारण कि जो दालें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनकी जड़ों में जो गठीले जो गांठें पाई जाती हैं और वो गांठों से पोषक तत्व या जो नाइट्रोजन है वो जमीन को मिलती है, जिससे उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है सॉइल की वो इंक्रीज हो जाती है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, मध्य प्रदेश है। इसमें तुअर जो आपके पास होती है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, ये सारी की सारी
सारी चीजें आपके पास आती हैं, एरिया भी मैंने आपको बताया था कल, ये सब डिस्कस करा था। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्रॉप्स के पास जा रहे हैं, ये कल हमने डिस्कस नहीं करा, यहां से हम हमारे सेशन को आज स्टार्ट करने वाले हैं। वो एक रिकैपिंग थी जो हम पहले से ही रस्म निभाते आते हैं कि जिन लोगों ने कल अटेंड नहीं किया या अटेंड किया है और याद नहीं है उनके लिए। अब जो नेक्स्ट क्रॉप आपके पास है इनको हम क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं और ये प्लांटेशन क्रॉप के अंडर में भी आती हैं। सबसे पहला आपके पास है सुगर केन। अब जैसे हम सुगर केन के पास गए तो याद रखना कि सुगर केन जो है वो इंडिया का ओरिजिनल है या इंडिया का नेटिव है, इंडिया से ही उगाया जाता है। और सुगर केन होता क्या है, ग्रास का टाइप होता है, घास होता है, और इस घास में क्या होता है, इसके अंदर पानी पाया जाता है और उसमें सुक्रोज का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब सुगर केन क्या होता है, एक जो सुगर का स्टोरेज पाइप टाइप का होता है। यहां पे आप जाओगे तो अभी इसका सीजन भी आ गया, आपने देखा होगा कि जो सुगर केन है उसका जूस अभी अभी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सुगर केन होता कहां पे है। तो जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं ऐसी वाली जो एक साल में होती हैं, वो अधिकतर ऐसी जगहों पे होती हैं जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहां पे जो आपका सुगर केन है, गन्ना है, उसके उत्पादन के लिए आपको 21 से लेकर 27 डिग्री तक का तापमान देना होता है। दूसरा क्या देना होता है, 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल और उससे ज्यादा पानी की आपको बहुत ही ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आपको कंटिन्यूअसली पानी इसमें सप्लाई करना होता है। के बाद जो लोमी सोयल है या जो जलोढ़ मृदा है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। उसके अलावा कोई भी मृदा आप प्रयोग कर सकते हो। अब हम टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर देखते हैं तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और बिहार वाले क्षेत्र उत्पादन करते हैं। सबसे ज्यादा कौन करता है, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, सबसे ज्यादा विश्व में कौन उत्पादन करता है। तो शायद आपको पहले पता होगा आपकी किताबें में, अगर आपने अब तक अपडेट नहीं किया है तो आपको पता होना चाहिए कि सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे बोलते हैं, ब्राजील को बोलते हैं। इसका आंसर मैं ही दे रहा हूं क्योंकि हमारी बुक्स में क्यूबा लिखा हुआ है। पहले क्यूबा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता था, लेकिन क्यूबा रिसेंट स्टैटिस्टिक्स हिसाब से आप जाके देखोगे जो नवीनतम सांख्यिकी है, हमारे भारत ने ही क्यूबा को पछाड़ दिया। तो जो क्यूबा है, क्यूबा कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है, पहले पे ब्राजील, दूसरे पे भारत, तीसरे पे क्यूबा। अब याद रखना ये तीनों एक दूसरे को पछाड़ते रहते हैं। वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, जो ब्राजील देश है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, या विश्व में शक्कर का कटोरा किसे बोला जाता है, ब्राजील को बोला जाता है। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन आपके पास हो गया। अब इस सुगर केन का यूज हम कहां पे करते हैं, तो सुगर केन को क्रश करने के बाद इससे जो स्वीट सुक्रोज है उसको निकाला जाता है, उसको बॉइल किया जाता है, उससे जागरी या गुड़ बनाया जाता है। शायद आपने घर में खाया भी होगा गुड़, और उसको एनिमल चारकोल में प्रोसेस करने के बाद क्या बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं। तो इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, सुगर केन का यूज ट्रेडिशनली करते हैं, बहुत पुराने समय से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि वर्तमान में इसका प्रयोग कहां पे हो रहा है। अब यहां पे करंट अफेयर आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना कि जब आप गन्ने का जूस निकाल ले, तो ये मेरा गन्ना था, जब हमने इसे क्रश करके हमने इसका जूस निकाल लिया तो इसके बाद इसका एक रेसिड्यू होता है वो बचता है, पहला। दूसरा, अब जब आपने जूस निकाल लिया उसको आपने बॉयलर में डाला, तो बॉयलर में डालने के बाद जब ये उबलता है तो इसके जो इंप्योरिटीज हैं वो बाहर निकलती हैं। जब इंप्योरिटीज बाहर निकलती हैं तो इसका जो ऊपर वाला झाग होता है इसको हम बाहर निकाल के स्टोरेज करके रख लेते हैं टैंक्स में, क्लियर। और इस टैंक्स को हम फर्मेंट करते हैं और इससे क्या बनती है, दारू, देसी दारू या इथेनॉल बनाया जाता है, क्लियर। आजकल आपका जो हैंड सैनिटाइजर आ रहे हैं वो भी इसी इथेनॉल से ड्राइव होते हैं जो कि सुगर केन से बनता है, पहला। गांव में अगर आपने गुड़ बनते हुए देखा होगा तो वहीं पे लोग देसी शराब भी बनाते हैं, वो इसी से ही बनाते हैं। और दूसरा जो आपके पास है इथेनॉल है, और यहां पे जो आपके पास ये बचा हुआ है रेसिड्यू, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फर्मेंटेशन कर सकते हैं। और फर्मेंटेशन करने के बाद जो हमें मिलता है वो भी क्या होता है, इथेनॉल। मतलब ये जो बायो इथेनॉल है ये किसका काम कर सकता है, बायो फ्यूल का काम कर सकता है। जी हाँ, मैं टेम्परेचर और रेनफॉल, ये टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ये एनुअल रेंज होती है। एक किसी भी क्रॉप को आपको विकसित करना है तो एक टेम्परेचर एक रेंज होती है, उस टेम्परेचर रेंज को यहाँ पे दिया गया है कि कौन से टेम्परेचर रेंज में, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, मतलब ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में ये होता है। सिंपल सा फंडा है, उसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। हम सुगर केन पे चर्चा कर रहे थे, तो सुगर केन जो आपके पास है इससे क्या बनाया जाता है, आजकल रिसेंटली बायोफ्यूल्स बनाए जाते हैं। अब ये बायोफ्यूल्स जो होते हैं वो कौन सी, जैव ईंधन जिसे आप हिंदी में कहते हो, ये कौन सी बला होते हैं, जैसे आपको पता
होगा कि जो पेट्रोल है और डीजल है ये कैसे हैं, गैर निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, क्लियर। इनको आप जलाओगे तो इनका क्षरण हो जाएगा, 50-25 साल में ये क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जैविक पदार्थों से ईंधन बनाने की कोशिश करते हैं जो एक साल में फिर से रिसाइकिल हो जाते हैं। तो जैव ईंधन उसी का प्रकार है, इससे प्रदूषण भी कम होता है और शुगर केन का यूज हम कहां पे करते हैं, रिसेंटली जैव ईंधन बनाने में भी करते हैं। ये बात को आप याद रखना है। अब यहां पे शुगर केन में आपको क्या याद रखना था कि ट्रेडिशनली इसका ओरिजिन भारत से हुआ है, ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की क्रॉप है, सबसे ज्यादा इसका जो प्रोडक्शन है वो कैनेरियाज में किया जाता है जहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है, जहां पे टेंपरेचर ज्यादा होता है। लगभग 12 महीने की ही क्रॉप होती है। इसको लगाया कब जाता है, जून जुलाई में लगाया जाता है और बाद में जाके जून जुलाई के बाद इसी टाइम पे अप्रैल के समय पे इसको काट लिया जाता है। अब यहां पे एक ट्विस्टिंग गेम मैं आपको बताता हूं। ट्विस्ट यहां पे क्या है, जो यूपीएससी का क्वेश्चन है उस यूपीएससी के क्वेश्चन को आपको देखना है। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि एक जो शुगर केन प्रोडक्शन है वो कहां पे, सदर्न इंडिया में, दूसरा शुगर केन प्रोडक्शन कहां पे, नदर्न इंडिया में। दोनों इंडियाज में, एक तो नदर्न इंडिया में है और दूसरा कहां पे, सदर्न इंडिया, दोनों में शुगर केन प्रोडक्शन है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि किस शुगर केन में शुगर का अमाउंट या सुक्रोज का अमाउंट ज्यादा होगा, नॉर्थ वाली में होगा या साउथ वाली, शुगर जो है शुगर केन में उसमें शक्कर की मात्रा ज्यादा होगी। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो उत्तर भारत में उत्पादित किए जाने वाले गन्ने होते हैं उनमें शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है या दक्षिण भारत में उत्पादित किए जाने वाले गन्नों में ज्यादा मात्रा होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये यूपीएससी में ऑलरेडी प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा क्यों होता है और कहां पे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो अब हम यहां पे देखते हैं कि कहां पे पाई जाती है, तो ये सदर्न इंडिया वाले जो शुगर केन है उनमें ज्यादा मात्रा पाई जाती है। अब इसका कारण क्या है, उस कारण की हम बात करते हैं, क्योंकि जो शुगर केन होते हैं इनमें एक बात आपको याद रखनी है, जब हम इनको लगाते हैं, पहली बात ये कल्टीवेशन क्रॉप है, क्लियर। इसमें हम क्या करते हैं, इस केन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के हम क्या करते हैं, जो हमारा खेत होता है उसमें हम नीचे बरी कर देते हैं, दबा देते हैं। एक बार दबाने के बाद ये जो शुगर केन है इनका प्रोडक्शन होता है, एक गांठ से काफी सारे शुगर केन आपके बाहर आते हैं, कुछ इस तरह से शुगर केन है वो चारों तरफ से आपके बाहर निकलते हैं और इन शुगर केन में शुगर की मात्रा कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। पहला फैक्टर जो आपके पास है वो पानी की मात्रा डिसाइड करती है कि कितना ज्यादा पानी है। अगर पानी ज्यादा होगा तो उसको ग्रो करने के लिए जो एरिया है वो ज्यादा मिलेगा, और दूसरा सॉइल की जो गुणवत्ता है, मृदा है, वो भी इस पर निर्भर करती है। लेकिन तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है वो होता है यहां का क्लाइमेट। तो नॉर्थ इंडिया है उसमें आपको पता होगा कि 3 से लेकर 4 महीने तक ऐसा सीजन बनता है सर्दियों वाला जिसमें जो फॉग बहुत ज्यादा होता है, और फॉग के टाइम पे यहां फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। फोटोसिंथेसिस कम होने के कारण जो नॉर्थ इंडिया है उस नॉर्थ इंडिया के शुगर केन में वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और सुक्रोज क्या हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। वहीं हम महाराष्ट्र के पास जाएं या साउथ इंडिया में आप जाओ, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सब में अगर आप जाते हो तो यहां पे परपेचुअल सनशाइन आपको देखने को मिलती है, हमेशा आपको यहां पे जो सनशाइन है देखने को मिलेगी। इसकी वजह से पानी आपने दे दिया, सनशाइन कंटिन्यूअसली मिल रही है, कंटिन्यूअस फोटोसिंथेसिस, और जो शुगर केन है वो एक पक्का हुआ शुगर केन आपको देखने को मिलेगा जिसमें सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होगी। तो जो सनशाइन होती है ये क्या होता है, एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है जिसकी वजह से सदर्न इंडिया में सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है, क्लियर। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि सदर्न इंडिया में बेस्ट क्वालिटी के शुगर केन होते हैं, बट प्रोडक्शन कौन करता है, नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है। इन दोनों बातों को आप याद रखोगे। अब उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्रॉप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप है वो है ऑयल सीड्स, क्लियर। अब जैसे हम ऑयल सीड्स के पास जाते हैं तो ये ऑयल सीड्स भी एक कोई क्रॉप नहीं है, एक मोनोकल्चर नहीं है, ये पूरा का पूरा एक क्रॉप्स का ग्रुप है, क्लियर। ये पूरा का पूरा एक समूह है जो काफी सारी क्रॉप्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें काफी सारी क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो कैस्टर सीड्स होते हैं, जैसे अगर आप जाओगे जत्रोपा सीड्स होते हैं, उसके बाद सोयाबीन होता है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मस्टर्ड होता है, ग्राउंड नट होता है, अलसी होती है, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, काफी सारे सीड्स को मिला के एक ग्रुप बनता है जिसे हम ऑयल सीड्स
ट्रीज कहते हैं। अब एक और बात याद रखना कि इनका जो सीजन है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग सीजन में बोए जाते हैं। जैसे सोयाबीन, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जैसे सोते हुए पर्सन यहां पर रहते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सोया राज्य कहते हैं। क्लियर? तो मध्य प्रदेश को सोया राज्य कहते हैं। और सोयाबीन है वो कौन सी सीजन की फसल है? वो खरीफ के सीजन में उगाई जाने वाली फसल होती है, उसमें पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब दूसरा हम बात करते हैं जो हमारा मस्टर्ड होता है, क्लियर, जो सरसों होता है वो रबी के सीजन में उगाया जाता है। मतलब ये पूरी की पूरी एक वैरायटी होती है जिसे अलग अलग सीजन में उगाया जाता है। और इसका यूज कहां पे किया जाता है? जो फूड के लिए, जो पकाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, काफी सारे इंडस्ट्रीज में हम इनका यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव में ऑयल का हम यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अलग अलग जगहों पर ग्राउंड नट है वो खरीफ की क्रॉप है, लिनसीड और मस्टर्ड है वो रबी की क्रॉप है। तो ये अलग अलग टाइम पे ये सारी चीजों को उगाया जाता है। अब टोटल प्रोडक्शन के मामले में हम जाके देखते हैं तो जो मध्य प्रदेश राज्य है वो अग्रणीय राज्य है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों का कंपटीशन चलता रहता है। जब भी आप एग्जाम देने जाओ एक बार डाटा देख के जाना, प्रेजेंट में मध्य प्रदेश आगे है। और जनरली ये सारे के सारे ऑयल सीड, जनरली बात चल रही है यहां पे, स्पेशलाइज किसी भी ऑयल सीड की बात नहीं चल रही, जनरली 15 से 30 डिग्री सेल्सियस और 30 से 75 डिग्री जो आपके पास सेंटीमीटर रेनफॉल, मतलब कम रेनफॉल वाले एरियाज में इनको उगाया जाता है। तो अब हम यहां पर अच्छी बात करते हैं, जैसे ऑयल सीड्स आपके होते हैं क्या इंडिया, अब पहले हम देखते हैं कि ऑयल सीड्स कहां कहां पे, तो ये पूरा का पूरा इंडिया, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, ये जो मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे एरिया प्रीडोमिनेंटली ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के अंडर में आते हैं। और इंडिया में काफी सारी वैरायटीज के ऑयल को हम प्रोड्यूस करते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास ये है, क्या इंडिया सेल्फ सफिशियंट है जो फूड ऑयल, फूड ग्रेड ऑयल है उसके प्रोडक्शन के लिए? तो मेरा आंसर आता है नो। अब हम इतना सारा प्रोडक्शन करते तो हैं, लेकिन इतना बड़ा नो मेरे सामने क्यों आ गया? उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। और इंडिया में अधिकतर जैसे ही फैमिली की इनकम राइज होती है वैसे ही हम ऑयली फूड को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। जनरली हमारे डेली रिक्वायरमेंट में हम ऑयल को कंज्यूम कर रहे होते हैं, इसलिए इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशियंट इन द मैटर्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। भारत ऑयल उत्पादन, जो तेल उत्पादन होता है, उसके मामलों में सक्षम देश नहीं है। तो अब सक्षम नहीं है तो हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो जनरली हम किस तेल का इंपोर्ट करते हैं? जो तेल सस्ते में आ जाए। अब सस्ते में तेल कौन सा आता है? आपका जो पाम ऑयल होता है या जो ताड़ का तेल आपके पास होता है वो सस्ते में, जैसे आपने देखा होगा डाल्टा जो आपके पास होता है घरों में, वो 40 से 50 रुपए किलो आ जाता है। तो ये जो पाम ऑयल है ये हम कहां से इंपोर्ट करते थे? मलेशिया से इंपोर्ट करते थे। अगेन करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्लादिमीर नासिर नाम के यहां के पीएम थे जो अब हट चुके हैं, उन्होंने क्या किया था जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था, शायद आपको पता होगा आर्टिकल 370 को हमने हटा दिया है जम्मू एंड कश्मीर से। तो जब हमने हटाया था तो जो जो आपके पास मलेशिया के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को नहीं हटना चाहिए। और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके जो आपके पाकिस्तान है उसका सपोर्ट किया था, एक तो टर्की ने किया था और दूसरा सपोर्ट किसने किया था? मलेशिया ने। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया और उसने डिसाइड किया कि हम मलेशिया से आने वाले जो वो पाम ऑयल है उसको हम अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसे कहां पे शिफ्ट कर देंगे? इंडोनेशिया पे शिफ्ट कर देंगे। मे बी इंडोनेशिया का ऑयल थोड़ा बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है, लेकिन हम हमारी सॉवर्जिनिटी जो होती है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम हमारी नैतिकता के स्तर से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से यह बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा, क्लियर, और पाम ऑयल भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। तो पाम ऑयल का कल्टीवेशन आपको याद रखना है, किस कंट्री के ऑयल पर हमने सैंक्शन लगाए थे वो भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ एक और बात याद रखनी है कृषि में कि भारत ऑयल प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हम नेट इंपोर्टर हैं, हम शुद्ध आयातक देश हैं, हम खरीदते हैं हमारे पाम ऑयल को। और आपने देखा होगा कि अधिकतर जो आपके पास स्ट्रीट फूड होते हैं वो पाम ऑयल में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, सस्ता होता है। तो यहाँ पे दो तीन बातें याद रखना मध्य प्रदेश। और एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को हम सोया राज्य कहते हैं, फर्स्ट। सेकेंड, जो रेवोल्यूशंस होती हैं ऑयल को, मैंने आपको बोला कि ऑयल हमारे यहाँ पे सेल्फ सफिशियंट नहीं है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब इसको हमें बढ़ावा भी देना पड़ेगा, हमें मैटर ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, या जो आपका जो ऐसा प्रोडक्शन
हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि इंडिया सेल्फ सफिशियंट हो जाए। उसके लिए भारत सरकार ने एक क्रांति की शुरुआत करी थी, जिस क्रांति को हम येलो रेवोल्यूशन बोलते हैं। येलो रेवोल्यूशन क्यों? क्योंकि मस्टर्ड जो होते हैं उनके फ्लावर्स का रंग कैसा होता है? येलो होता है। सरसों के जो फूल होते हैं उनका रंग हरा, जो येलो होता है पीला होता है। इसकी वजह से जो पीली क्रांति है उसका संबंध किससे हो गया? ऑयल सीड से हो गया। इतना आपको याद रख लेना है। अगर ये याद नहीं हो रहा तो वीर जारा मूवी आपने देखी होगी, सरसों के खेत में दौड़ते हुए दो हीरो और हीरोइन का युगल आपने देखा होगा, उससे आप इसको याद कर सकते हो। आप भी दौड़ सकते हो, अगर आप गांव में जाना हो तो एक आध बार दौड़ लेना, वीर जारा को फील कर लेना। अब हम यहां पे आते हैं। नेक्स्ट जो मेरी क्रॉप का ग्रुप है वो है प्लांटेशन क्रॉप। क्लियर। अब हम प्लांटेशन क्रॉप के पास जाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं कैश क्रॉप होती हैं, लेकिन इनके हम क्या लगाते हैं? प्लांट्स लगाते हैं और प्लांट्स के पार्ट्स को हार्नेस करते हैं। अब आपका मन पसंदीदा टॉपिक आ गया है जिसका नाम क्या है? टी कल्टीवेशन। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है तो डेफिनेटली आप आंसर दोगे कि टी पॉजिटिव। संडे हो या मंडे आप रोज टी पीते हो, 365 डेज हम आराम से टी पी रहे होते हैं, और कितने बार पीते हैं? जितने बार घर में बनती है, इस तरह से हमारी क्या होती है? स्टोरी होती है। अब हम देखते हैं कि चाय होती क्या है, इसका कल्टीवेशन कहां कहां पे होता है, इंडिया कहां पे रिसाइड करता है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ था, काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास है। अब हम जहां पे जाके देखते हैं कि टी होती क्या है, तो टी क्या होती है? एक पेड़ होता है, उसके लीव्स को हम तोड़ते हैं। क्लियर। एक ट्री होता है, ट्री की लीव्स को हम तोड़ते हैं और उन लीव्स को हम वाटर में बॉयल करते हैं, उस बॉइल्ड वाटर को हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं। अब इसका ओरिजिन कहां से हुआ था? इसका ओरिजिन चाइना से हुआ था, चीन से हुआ था। इंडिया में कौन लेके आया था? तो पोर्चुगीज इंडिया में चोरी करके जो टी है वो लेके आए थे। जो हमारा कल्चर, जो टी है वो हमारा कल्चर नहीं था। हमारा कल्चर क्या था? दूध पियो और मजे में रहो, वो हमारा कल्चर था। अब इसको हम उगाते कहां पे? चाइना से ओरिजिन हो गया, लेकिन इंडिया में कहां पे उगाया जाता है? तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, उनको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। पहला कंडीशन है जिसमें 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। कितना? 20 से लेकर 30। उसके बाद कंटीन्यूअस रेनफॉल 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर लगभग डेली रेनफॉल होना चाहिए। क्लियर। कितना होना चाहिए? 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि फर्टाइल सॉइल होने चाहिए और वेल ड्रेन्ड सॉइल होने चाहिए जिसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा हो। अब इसमें से एक खुलासा मैं करता हूं कि ये ट्री होती है वो कहां पे कल्टीवेट करी जाती है। तो सपोज करिए कि ये क्या है मेरा? एक माउंटेन। अब मैंने क्या बोला कि पानी ज्यादा गिरना चाहिए, तो जैसे सपोज करिए कि ये जो आपके पास एरिया है इसमें पानी बहुत ज्यादा गिरा, यहां पे मैंने टी को लगा दिया था। जो टी का झाड़ होता है, श्रब्स होता है, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है चाय के झाड़ के साथ? इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, लेकिन जो इसकी जड़ें होती हैं वो तुरंत गल जाती हैं अगर पानी स्टोर हो जाए तो। ये कौन सी वाली बात हो गई? ये सिंपल सा फंडा है कि आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ मुंह धोना है, और अगर आपकी पूरी की पूरी बॉडी को नहला दिया जाए तो तुरंत आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये टी ट्री के साथ होता है। तो हम इसका सॉल्यूशन कहां से निकालते हैं कि इसको पानी मिलता रहे और इसमें पानी जमा ना हो? तो ये कंडीशन कहां पे होती है? पहाड़ों पे होती है। कि जैसे मैंने यहां पे जो चाय का झाड़ लगा दिया, बारिश हुई, बारिश होने के बाद इसको पानी तो पर्याप्त मिल जाएगा, लेकिन सारा पानी ड्रेन होकर कहां पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, नीचे पानी स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए जो चाय है उसका कल्टीवेशन कहां पे किया जाता है? स्लोपी एरियाज में किया जाता है, 150 से लेके 300 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरियाज में किया जाता है जहां पे टेंपरेचर ज्यादा होता है। अब एक और अच्छी बात मैं बता देता हूं कि जनरली जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप हैं सब में यही कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, बस टी एक स्पेशलाइज है जहां पे आपको स्लोपी एरिया में आपको इसे कल्टीवेट करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसका एक और अच्छी बताता हूं कि जो टी है उसमें क्या होती है? लीव्स होती हैं, और लीव्स की जो साइज होती है वो क्या होती है? वेरिएबल होती है। जैसे टाटा टी आपने देखी होगी, उसमें लीव्स आती हैं, तो लीव्स की साइज क्या होती है? वेरिएबल। और इनकी साइज के हिसाब से इनका टेस्ट चेंज होता है। इसलिए जो टी होती है उसको मैन्युअली प्लग करने की जरूरत होती है। जो वर्कर्स होते हैं वो स्लोपी एरिया में से उगाते हैं और अलग अलग पत्तियों को अलग अलग तरह से तोड़ते हैं। मतलब कुछ वर्कर्स को जिम्मेदारी दी जाती है वो एकदम छोटी पत्तियों को प्लग करेगा, कुछ बड़ी पत्तियों को प्लग करेंगे, और ज्यादा बड़ी पत्ती हो गई तो वो किसी के काम की नहीं होती, उसी के साइज पे उसका जो कॉस्ट है वो वेरी कर रहा होता है। क्लियर। तो ये एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, इसको भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसमें असम है, वेस्ट बंगाल है और तमिलनाडु, इन तीन राज्यों में प्रमुखता यहां पे प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहला जो असम है, मार्कम वैली, ब्रह्मपुत्र वैली, उसके बाद वेस्ट बंगाल, यहां पे आप आओगे दार्जिलिंग नाम की जो जगह है वो, और यहां पे अगर आप आओगे तमिलनाडु केरला में उडागुडम नाम की जो ऊटी नाम की स्टेशन है वहां पे प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर। तो यहां पे एक बात अच्छी याद रखनी है कि जो वेस्ट बंगाल की टी है, जो दार्जिलिंग टी है, उस दार्जिलिंग टी को इंडिया में सबसे पहले
पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया था, इस बात को भी आपको याद रखना है। क्लियर। तो तीन राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है, कौन कौन से राज्य हैं? एक तो असम सर्वाधिक उत्पादन, दूसरा वेस्ट बंगाल और तीसरा कौन सा तमिलनाडु, और कुछ भाग कौन से हैं केरल के, जहां पे ये विशेष परिस्थितियां पाई जाती हैं जहां पे टी का कल्टीवेशन किया जाता है। अब एक और बात आप पूछ सकते हो कि सर स्लोप तो पूरे के पूरे इंडिया में, यहां पे नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ, यहां पे ईस्ट इंडिया से लेके वेस्ट इंडिया में है, तो वेस्ट इंडिया में इसका प्रोडक्शन क्यों नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में पूछा भी था। अब इसका आंसर कहां से आता है? इसका आंसर सिंपल है कि मैंने बताया था कि टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 20 से लेके 30 डिग्री। नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाओगे तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जब आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। यहां पर आईसी कंडीशन प्रिवेल करती है, इसकी वजह से जो नॉर्थ इंडिया होता है या जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया होता है वहां का टी कल्टीवेशन नहीं होता। टी कल्टीवेशन कहां पर होता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर आपको याद रखने हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट आपको याद रखना है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री आपको याद रखनी है, और उसके बाद ये भी याद रखना है कि जो इंडिया का टी बोर्ड है वो कहां पे बनाया हुआ है, हमने कोलकाता में बनाया हुआ है। क्लियर। तो ऑल एंड ऑल टी में क्या याद रखना है, किसे हम स्लोपी एरिया में प्रोड्यूस करते हैं, क्यों? क्योंकि जो पेड़ होता है उसको पानी की आवश्यकता होती है, बट जड़ों को पानी की आवश्यकता नहीं होती। और शायद आपने अगर क्लाइमेट को पढ़ा हुआ है, वर्ल्ड क्लाइमेट को, तो उसमें मैंने आपको वर्षा बताई थी, उस वर्षा में मैंने आपको क्या बताया था कि दो तरह की पवने चलती हैं, एक तो वैली ब्रीज होती है, एक माउंटेन ब्रीज होती है, मतलब पर्वतों से चलने वाली जो पवने होती हैं। क्लियर। एक तो पर्वत समीर होती है और दूसरा घाटी समीर होती है। जब ये घाटी समीर चलती है तब ये क्या करती है, बारिश करती है, तो इन पर्वतों में दैनिक बारिश होती है, इसकी वजह से भी जो चाय है उसका कल्टीवेशन इन क्षेत्रों में किया जाता है। क्लियर। तो जो वैली ब्रीज होती है वो रेनफॉल करती है, और जब रेनफॉल होता है तो अपने आप इन एरियाज में बेस्ट सूटेबल एरिया बनते हैं जहां पे चाय का उत्पादन किया जाता है। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा, चाइना इज दी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी और वो लीडिंग एक्सपोर्टर भी है। इंडिया इज दी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, बट हम एक्सपोर्टर कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि हम कंज्यूम ही इतना कर लेते हैं कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो इस बात को याद रखना है कि इंडिया प्रोड्यूसर तो है लेकिन एक्सपोर्टर इसका नहीं है, क्योंकि जब चाय जहां चाय और पी लो चाय, इस तरह से हमारा स्लोगन चलता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पूरी की पूरी कंडीशन आपको क्लियर हो गई, जीआई टैग भी आपको समझ आ गया। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप की तरफ। जो नेक्स्ट क्रॉप हमारी है उसको हम बोलते हैं कॉफी। क्लियर। कहवा हिंदी में बोला जाता है इसे, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, कॉफी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से, किस तरह की जो जलवायु कंडीशन है, टेम्परेचर कंडीशन है, उनकी आवश्यकता होती है। तो 15 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड जितना आपका टेम्परेचर कहां पे था, चाय में था लगभग, और उतना ही आपकी बारिश है, 150 से लेके 250 सेंटीमीटर बारिश की इसको आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि जो कॉफी होती क्या है, तो कॉफी क्या होती है, इस तरह से बीन्स में लगती है। कॉफी का एक पेड़ होता है, उस पेड़ में जैसे चाय का कौन सा पार्ट कंज्यूम करते हैं, पहले ही एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन आया था बहुत पहले, उसकी लीव्स को कंज्यूम करते हो, और जो कॉफी होती है इस कॉफी में बीन्स निकलती हैं। इन बीन्स, ये जो बीज, इनके अंदर बीज निकलते हैं, इन बीज को हम क्रश करने के बाद इसको हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, अलग अलग टेस्ट होता है लोगों का। कुछ लोग हॉट कॉफी कंज्यूम करते हैं और कुछ लोग कोल्ड कॉफी कंज्यूम करते हैं, और कुछ लोग इंटरमीडिएट होते हैं जो हॉट कॉफी ऑर्डर करके कोल्ड कॉफी कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसी को कोल्ड बनाने के पर कंज्यूम करते हैं। तो तीन तरह की कैटेगरी अलग अलग हैं, आप किस में रिसाइड करते हो आप खुद देख लो। तो यहां पे क्या है, कॉफी जो आपके पास है क्या है, बीन्स हैं, उन बीन्स को हम कंज्यूम करते हैं। अब हम जाके देखते हैं कि जो बीन्स हैं इनमें ये आई कहां से, तो याद रखना है कि जो टी है वो हमारी कहां से आई थी, वो हमारी चाइना से आई। ये जो कॉफी है ये इथोपिया से ओरिजिन माना जाता है कि ये इथोपियन क्रॉप है, इथोपिया से इसका ओरिजिन, या अफ्रीकन कंट्रीज से। ये ओरिजिन कैसे हुआ था, मेडिसिन के रूप में इसका ओरिजिन हुआ था। पहले इसको क्रश करके पेशेंट्स को दिलाया जाता था, एनेस्थेसिया का काम करता था, लेकिन बाद में जाके धीरे धीरे करके हमने इसे ड्रिंक बना लिया और एट प्रेजेंट में इंडियन की हैबिट में आ गया। क्लियर। हिली एरियाज में इसको उगाया जाता है, और सबसे ज्यादा जो कॉफी है इंडिया में कर्नाटका राज्य में उगाई जाती है। साउथ इंडिया में कॉफी सबसे ज्यादा उगाई जाती है, कर्नाटका राज्य, तमिलनाडु, केरला इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, और अकेला कर्नाटका राज्य है ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में, इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर। और जो कॉफी की कुछ किस्में होती हैं, वैरायटीज होती हैं, अब दो तरह की आपने वैरायटीज सुनी होंगी, एक तो आपने नेस्कैफे सुना होगा, दूसरा ब्रू सुना होगा, इसके अलावा भी काफी सारे। ये वैरायटीज नहीं है, ये क्या है, ब्रांड्स हैं।
क्लियर, ब्रांड अलग बात होती है, वैरायटीज अलग बात होती है। तो जो किस्में होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं मुख्यतः, पहला अरेबिका होता है, दूसरा रोबस्टा होता है। क्लियर, अरेबिका जो होती है वो बेस्ट ग्रेड की फ्लेवर कॉफी होती है, इस बात को आपको याद रखना है। अधिकतर कॉफी आपने देखी होंगी कि कभी कभी कॉफी हम पीते हैं कॉफी का मजा ही नहीं आता, तो वो कौन सी होती है, रोबस्टा किस्म की होती है। अरेबिका कॉफी कर्नाटका में उगाई जाती है, इंडिया में वर्ल्ड की बेस्ट ग्रेड की कॉफी उगाई जाती है, इस बात को आपको याद रखना है। और इंडिया का जो कॉफी बोर्ड है वो कहां पे है, न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश करा गया है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये सारी की सारी बातें क्या है, ये कॉफी प्लांटेशन क्रॉप है, क्लियर, सेकंड मोस्ट लविंग बीवरेज है, क्लियर, दूसरा सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय है, हॉट और कोल्ड कॉफी के रूप में पिया जाता है। दो किस्में होती हैं, एक अरेबिका होती है और दूसरी कौन सी होती है, रोबस्टा होती है। इंडिया में अरेबिका उगाई जाती है जो कि बेस्ट ग्रेड की कॉफी होती है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, कर्नाटका में इसको सबसे ज्यादा उगाया जाता है, कर्नाटका में इसकी जो बीन्स होती है उनको क्रश करके जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में इसका यूज करा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल और जो टेम्परेचर कंडीशन है 15 से लेकर 28 डिग्री टेम्परेचर की कंडीशन में से प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये पूरी क्या हो गई हमारी कॉफी। अगर 3 मार्क्स में कॉफी लिखने के लिए आता है तो ऐसे ही आप लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, कॉफी जो आपके पास होती है एक पेय पदार्थ है जिसका उत्पादन इन कंडीशन में किया जाता है, दूसरा कर्नाटका राज्य में सबसे ज्यादा किया जाता है, तीसरा आप ये लिख सकते हो नेक्स्ट जाके ब्राजील इसका उद्गम स्थान है, और अगर आपका 6 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो ये पूरे का पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो आपको लिखनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप की तरफ, जो हमारी नेक्स्ट क्रॉप है उसे हम बोलते हैं रबर। अब जैसे रबर के पास जाएंगे तो ये रबर भी हमारी क्या, एक प्लांटेशन क्रॉप है, इस बात को याद रखना। अब जैसे ये प्लांटेशन क्रॉप है तो ये दिखती कैसी है, सबसे पहले हम रबर को देख लेते हैं ताकि एक इमेज बन जाए, इमेज बन जाएगी तो अपने आपको याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से देखोगे तो रबर के क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और इनका जो सीजन होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो जो रबर के पेड़ होते हैं इनसे रबर कैसे, इनकी एक छाल होती है, छाल को हम क्या करते हैं उतार देते हैं, ऊपर वाली जो स्किन होती है उसको रिमूव कर देते हैं, और जब इस स्किन को आप रिमूव करोगे तो रिमूव करने के बाद एक कट लगाओगे, कट करने के बाद इससे जो दूध निकलता है जिसे आप लेटेक्स बोलते हो, नेचुरल रेजिन भी आप इसे बोलते हो, इस नेचुरल रेजिन को हम क्या करते हैं, हार्नेस करते हैं, इस बाउल में रखते हैं, उस बाउल में रखने के बाद सारे पेड़ों से जो कलेक्ट की गई रेजिन है उसको रखा जाता है, और बाद में जाके इसका वल्कनाइजेशन किया जाता है, इसमें सल्फर ऐड किया जाता है, याद रखना वल्कनाइजेशन किससे करते हैं, सल्फर से, इसमें कार्बन मिलाते हैं, शुरुआत में यह सफेद दिखती है लेकिन बाद में जाके क्या हो जाती है, काली हो जाती है, धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ ग्रैब कर लेती है, और फिर इसका यूज हम कहां पे करते हैं, टायर वगैरह बनाने में करते हैं। तो अब ये पेड़ हैं ये कहां पे लगाए जाएंगे, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होगी पानी की, सनलाइट की, तो ये जो होते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में पैदा होते हैं, जहां पे क्योंकि दूध उत्पाद है, दूध कब बनेगा, जब ज्यादा पानी होगा, तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में और ज्यादा तापमान वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। क्लियर, और ये वेल ड्रेन्ड अलूवियल सॉइल में उगाए जाते हैं, और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तो यू शुड नो दैट कि जो केरला स्टेट है इंडिया में लगभग 90% रबड़ का उत्पादन करता है। भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कौन करता है, केरल राज्य सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करता है, केरल के बाद तमिलनाडु के बाद कर्नाटका, ये कुछ राज्य आपके पास हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो रबर ट्री है ये कौन से क्लाइमेट की क्रॉप है, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो भूमध्य रेखीय जलवायु है उसकी, भूमध्य रेखीय जलवायु है उसकी क्रॉप है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में यूज करी जाती है, और इसका जो बोर्ड है इसके डेवलपमेंट के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, ये कहां पे है, केरला के कोट्टायम में स्थित है। ये हमारी पूरी रबर थी। क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल और मध्य प्रदेश पीएससी में कि सर्वाधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, अपने आप कहां पे आ गया, केरला राज्य में किया जाता है। क्लियर, तो ये सारी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, ऑब्जेक्टिव सारे के सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। एक और क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जा सकता है, सेंट्रल एग्जामिनेशन में खासकर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रबर का प्रोडक्शन कौन करता है। क्लियर, कौन सी कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रबर का प्रोडक्शन करती है, आंसर मैं ही दे देता हूं, कंट्री कौन सी है, थाईलैंड। क्लियर, द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स जो है, जो श्वेत हाथियों की जो देश है, वो सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन करता है थाईलैंड। इसको नोट कर लेना, स्लाइड में आपको नहीं मिलेगा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो लेक्चर अटेंड करने वालों को ही मिलेगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्रॉप है वो कौन सी है। अब हम जा रहे हैं फाइबर क्रॉप्स के पास, कुछ ऐसी फसलें हैं जिसे हम रेशेदार फसलें कहते हैं, इनका प्रयोग कहां पे किया जाता है, या तो
कपड़े बनाने में या तो टेक्सटाइल वगैरह बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर, इस बात को याद रखना है। अब हम कहां पे पहुंच गए, है तो कैश क्रॉप ही लेकिन उनके फाइबर को हार्नेस किया जाता है। अब हम यहां पे देखते हैं कि सबसे पहली क्रॉप कौन सी है, कॉटन। क्लियर, जैसे हम क्या बोलते हैं, कपास बोलते हैं, कपास नाम की फसल। ये दिखती कैसी है, कुछ इस तरह से ये दिखाई देती है पकने के बाद। ये जो होते हैं गैबुलर टाइप के शेप इसमें आ जाते हैं, रेशे आ जाते हैं। अब एक अच्छी अच्छी बातें देखते हैं, जो कपास होता है उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, तो उसका जो थ्रेड होता है उसकी लेंथ पे उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। क्लियर, अगर इसका ओरिजिन हम देखें कि ओरिजिन कहां से हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान से इसका ओरिजिन माना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसका ओरिजिन माना जाता है। ये ऐसी फसल है जिसका ओरिजिन कहीं ना कहीं भारतीय उपमहाद्वीप में था। इसको उगाया कहां पे जाता है, इसको 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर बारिश में, और मोस्ट सूटेबल जो आपके पास सॉइल होती है वो कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। ये कहां पे पाई जाती है, जो डेक्कन प्लेटी है उसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो पूरे के पूरे भारत में जहां पे काली मृदा पाई जाती है वहां पे कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति को हम कॉटन चेन रिएक्शन भी कहते थे। क्लियर, कॉटन रिएक्शन या कॉटन कोल रिएक्शन भी कहा जाता था कॉटन, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही इंसान की एस्पिरेशंस बढ़ती हैं, पहले उसको खाने की जरूरत होती है, उसके बाद अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत होती है, और कॉटन एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जो आपको कपड़े बनाने की लग्जरी देता है। इसका यूज कहां कहां पे किया जाता है, वेराइटी इसका बहुत ही वेरिएबल यूज है। आजकल मास्क बनाने में, कपड़े बनाने में, सर्जरी इक्विपमेंट जो आपके सर्जरी ग्लव्स वगैरह होते हैं, उन सब चीजों में इसका इनका यूज किया जाता है। जो बैंडेज वगैरह होती है उसको बनाने में का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो एरियाज हैं कौन कौन से एरिया हैं, तो यहां पे देखोगे ये पूरे के पूरे ब्लैक सॉइल वाला जो एरिया है यहां पे कॉटन प्रोडक्शन किया जाता है। पंजाब में ब्लैक सॉइल नहीं है, लेकिन वहां पे जो फार्मर्स हैं उनके पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से जो कॉटन है उसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एरिया है यहां पे कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है, ये स्ट्रेच में नेचुरली, और यहां पे कुछ कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। अब हम यहां पे देखते हैं कि जो कॉटन है, कॉटन कितने महीनों में, जैसे आपने खरीफ के टाइम पे बोया, मॉनसून आया उसके टाइम पे बोया, उसके बाद लगभग लगभग 8 से लेके 10 महीने का समय लगता है, उसके बाद जो कॉटन है बॉल्स के रूप में बाहर आता है। और इसमें आपको याद रखना है, कॉटन वहां पे उगाया जाता है जहां पे साल में लगभग लगभग 210 फ्रोस्ट फ्री डेज होते हैं, मतलब ऐसे 210 से ज्यादा ऐसे दिन होने चाहिए जब सर्दियां ना पड़े। अगर सर्दियां पड़ेंगी तो क्या होगा, जो कॉटन बॉल्स हैं वो खुली हुई हैं, जैसी सर्दियां पड़ी वैसे ही इन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, और जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो पूरी की पूरी फसल क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो ऐसी जगहों पे बोया जाता है जहां पे 210 डेज से भी ज्यादा फ्रोस्ट फ्री डेज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर, अब यहां पे एक और बात याद रखनी है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कॉटन है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे ज्यादा गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसमें तीसरे नंबर पे एमपी को भी ऐड कर लेना, मध्य प्रदेश में भी कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है, खरगोन जिले में कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट में ये न्यूज़ में क्यों रहता है। तो प्रेजेंट में ये न्यूज़ में क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो कॉटन है इसमें एक वैरायटी डेवलप करी थी मोनसेंटो नाम की कंपनी में, जिसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन। क्लियर, बैसिलस थर्वेंजियन कॉटन जिसे बोला जाता है, जिसे जीएम क्रॉप भी बोला जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन भी बोला जाता है। अब ये बीटी कॉटन क्या होता है, इसकी झलक मैं देता हूं, टेक्नोलॉजी पोर्शन में आप इसे पढ़ोगे। क्लियर, इसकी झलक क्या है कि आपने देखा होगा जो कॉटन है, कॉटन का जो सक्सेस रेट है वो किस पे डिपेंड करता है कि टिड्डियों का अटैक जो होता है वो कितना कम है। कॉटन का जो पत्ता है जितना लंबे समय तक टिकेगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा, उतना ज्यादा कॉटन का झाड़ विकसित होगा, जितना ज्यादा झाड़ होगा उतने अच्छे फ्लावर आएंगे, और जितने अच्छे फ्लावर्स होंगे उतनी ही अच्छी बंपर प्रोड्यूस होगा। लेकिन क्या होता है कि जो कॉटन का जो पत्ता होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है और टिड्डियों को खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो टिड्डी आती है उसको तबाह करके चली जाती है, इंसेक्ट आते हैं और उसको तबाह करके चले जाते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर को स्प्रे करते हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर से वो लोग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए एक मोनसेंटो नाम की कंपनी थी, उसने क्या करा कि जो कॉटन का जो बीज होता है उस बीज में ही उन्हें जहर डाल दिया। कौन सा जहर डाला, एक बैक्टीरिया डाला, उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, बीटी बैक्टीरिया, बैसिलस थर्मेंजिन नाम का एक बैक्टीरिया डाल दिया। जब आपने इस बीज को बोया तो हर एक पत्ती में बीटी पॉइजन इंड्यूस हो गया, जैसे ही एक कीट आया उसने खाया वो तुरंत वहीं पर लुढ़क गया।
करेगा। तो 10 कीड़ों ने उसको देखा कि एग्जांपल सेट हो गया। जैसे सपोज करिए कि क्लास में आप बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रहे हो, तो टीचर क्या करता है, एग्जांपल सेट करता है, आपकी बेइज्जती कर देगा तसल्ली से, तो 100 जन जो आपको देख रहे होंगे फिर वो भी वो काम नहीं करेंगे। तो सेम टू सेम यहां पे है कि जो बीटी पॉइजन से जो भी मरा होता है, लोग देख के अन्य कीड़े उसे नहीं खाते, तो इस तरह से आपका जो कॉटन है वो बच जाता है। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन। लेकिन इसके अपने इशू हैं, इन इशू को आप कहां पे पढ़ोगे, टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, कि इसके साथ इशू क्या है और एट प्रेजेंट में प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। वेलकम स्टेप है, टेक्नोलॉजी वेलकम्ड है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करती, इंडियन गवर्नमेंट इसे अवॉइड करती है। क्यों करती है, ये टेक्नोलॉजी वाले लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे। अब तक बीटी कॉटन आपको समझ आ गया। बीटी कॉटन क्या होती है, कॉटन की जो आपकी मॉडिफाइड क्रॉप होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। प्लस एक और बात याद रखनी है कि विश्व स्तर पे जो कॉटन होता है, जो भारत है उसमें उच्च श्रेणी का कॉटन नहीं पाया जाता, उच्च श्रेणी का कपास उत्पादन नहीं होता। विश्व में सबसे उच्च श्रेणी का जो कपास है वो कहां पे उत्पादित किया जाता है, नील नदी के डेल्टा में उत्पादित किया जाता है, नाइल रिवर डेल्टा है, वहां पे हाईएस्ट ग्रेड कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है। इतना आपने याद रख लिया। तो इस तरह से कॉटन हो गया। उसका दूसरा है, नेक्स्ट क्रॉप जो है उसका नाम है जूट। क्लियर? अब इस जूट के पास जाओगे, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, पटसन बोलते हैं या पटसन की क्रॉप बोला जाता है। अब ये जूट क्या होता है, एक झलक देखते हैं, उसका इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, पौधे आप बोल सकते हो, इनको उगाया जाता है, लंबे लंबे, एकदम लंबे लंबे रेशे होते हैं। इसके बाद इनको काटा जाता है, काटने के बाद इनको सुखाया जाता है, और सुखाए जाने के बाद इनको हम पिटाई करते हैं, और इस तरह से जो थ्रेड्स होते हैं इनसे निकलते हैं। मतलब ये जो बड़े बड़े स्टेम्स होते हैं, इन स्टेम्स को आपने तोड़ा, सुखाया, सुखाने के बाद आपने इनकी ऊपर से जो रेशा था वो निकाला, और इनकी पिटाई करके आपने क्या करे, रेशे बनाए। इसको हम क्या बोलते हैं, रेशों को जूट बोलते हैं। तो ये जो जूट है वो कहां पे कल्टीवेट किया जाता है, ये देखो नीचे आपको क्या दिख रहा, पानी। तो ऐसी जगह जहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है, 150 से लेके 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, उसके बाद 20 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और उसके बाद वेल ड्रेन्ड अलूवियल सोइल होती है, वहां पे इसका उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे किया जाता है, डेल्टा एक एरियाज में किया जाता है। दूसरा, जो तराई वाले रीजन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। यह कंडीशन अगर आपको याद हो गई, इस कंडीशन के बाद आपको और याद रखना है कि कौन से जो क्षेत्र है वहां पे उत्पादन किया जाता है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर बिहार में, फिर असम ब्रह्मपुत्र रिवर में, आंध्र प्रदेश गोदावरी में, और उड़ीसा में महानदी बेसिन में इसका उत्पादन किया जाता है। की प्रोड्यूसर कौन है, वेस्ट बंगाल है, याद रखना। अब हम इसको इंपोर्टेंस समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इंपोर्टेंस क्या है, जूट का महत्व क्या है। तो जूट हमेशा याद रखना कि जूट एक ऐसा रेशा है जो जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल है। पॉलिथिन और जूट में सबसे बड़ा अंतर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ पॉलिथिन को बैन कर रही है, दूसरी तरफ जूट के प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। क्लियर? कारण क्या है, जूट का थैला जैसे आपने यूज करा वो तुरंत रिसाइकल हो जाता है, पॉलिथिन 10-12 हजार साल के लिए आपके यहीं पे टैप रह जाती है। तो वर्तमान में भारत सरकार जूट के प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। जूट का उत्पादन किस, जूट का जो कंजम्पशन है कहां कहां पे किया जाता है, जो बोरे होते हैं उनको बनाने में, टाट फट्टियां, स्कूल अगर सरकारी स्कूल में आप पढ़े हो तो टाट फट्टी बनाने में यूज किया जाता है, मास्क को बनाने में आजकल यूज किया जा रहा है, फैब्रिक को बनाने में यूज किया जा रहा है, जियो टेक्सटाइल को बनाने में यूज किया जाता है। और इसकी जो यूज है इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इसके बढ़ते हुए यूज को देखते हुए इसको हम क्या बोलते हैं, दो चीजें बोलते हैं, नोट कर लेना, एक तो फाइबर ऑफ द फ्यूचर बोलते हैं, भविष्य का सूत कहा जाता है, और इसका कलर होता है गोल्डन, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। क्लियर? इट इज ऑल्सो नोन एज फाइबर ऑफ द फ्यूचर एंड गोल्डन फाइबर। और इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा योजना बनाई गई है, उस योजना के अंतर्गत जो स्वर्णिम रेशा क्रांति की शुरुआत करी गई है। क्लियर? एक तो है गोल्डन रेवोल्यूशन, एक है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, एंड दी गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद दी प्रोडक्शन ऑफ जूट। जूट के उत्पादन से संबंधित क्या हो गई आपकी, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका प्रयोग मैंने आपको बता दिया। अब इसमें याद रखना कि इसके साथ दिक्कत क्या है, एक तो कंपटीशन, बांग्लादेश के साथ हमारा कंपटीशन हो रहा है। भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है, की पॉइंट है याद रख लेना, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, मिल भी वहां पे सबसे ज्यादा है, लेकिन बांग्लादेश है, वहां पे लेबर बहुत सस्ती होती है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप होती है,
कटाई के बाद रेशे तक निकालने का काम लेबर से होता है, और बांग्लादेश में प्रोडक्शन ज्यादा तो नहीं है लेकिन लेबर वहां पे सस्ती मिल जाती है, इसलिए बांग्लादेश से बहुत ही ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इवन करंट अफेयर में ये क्यों देखने को मिला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अभी पॉलिथिन पे बैन लगाया था, शायद आपको याद होगा। जब बैन लगाया था तब बांग्लादेश से इसका इलीगल एक्सपोर्ट बढ़ने लगा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा के रखी थी लेकिन फिर भी इलीगल एक्सपोर्ट हो रहा था जूट के बैग्स पे, इसलिए ये न्यूज में था और ये हमेशा न्यूज में रहता है। तो इस तरह से हमारा जो जूट है वो जूट क्या हो गया, पूरा हो गया। क्लियर, याद क्या रखना है आपको, तराई वाला एरिया, डेल्टा वाला क्षेत्र, इनमें प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, इसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसमें अलूबियल सॉइल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इस बात को याद रखना है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्लियर। उसके बाद अगर आप जाके देखोगे गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इससे रिलेटेड है, यह भी आपको याद रखना है, यूज कहां कहां पे होता है वो भी आपको याद रखना है, ये सारी की सारी बातें आपने याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, एक बार पिक्चर को देखते आइए, अगर इन फोटोज को आप दिमाग में रख लोगे तो बाकी सारी स्टोरी अपने आप क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि रट्टा हमें नहीं मारना, हमें सारी चीजों को समझना है। और अगर आप इस लेक्चर को देखोगे अच्छे से तो अपने आप सारी चीजें दिमाग में ही बैठती जाएंगी, जिंदगी में दोबारा बस एक बार रिवीजन करने की जरूरत होगी, कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब हम जाते हैं चौथे पिलर के पास, जो हमारी चौथी पिलर की क्रॉप्स होती है उनको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या बागवानी फसलें। अब जैसे बागवानी फसलों के पास जाओगे तो एक की पॉइंट है, उसको आपको याद रखना है कि बागवानी फसलें एक ग्रुप होती हैं, ना कि एक फसल होती है। जो फसलें होती हैं उनका समूह होती हैं, दे आर दी ग्रुप ऑफ क्रॉप्स, काफी सारी क्रॉप्स जिन्हें हम बागानों में उगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बागवानी फसलें कहते हैं। इस बात को आपने याद रख लिया। इसमें एक और याद रखना है कि बागवानी फसलों के लिए कौन सा जीवोम जाना जाता है, या विच बायोम इज नोन एज हॉर्टी नोन फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो जो मेडिटेरेनियन सी बायोम है, क्लियर, जो भूमध्य सागरीय जो जीवोम है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए जाना जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करते हैं सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की आप बात करते हो तो इंडिया का दूसरा नंबर आता है, चीन के बाद सबसे ज्यादा जो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह होते हैं इन सबको हम यहां पे उगाते हैं। इनमें फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल भी आते हैं, फ्लावर्स भी आते हैं, हर्ब्स भी आते हैं, ऑर्नामेंटल और एक्जोटिक प्लांट्स जो आपके पास होते हैं वो सारी की सारी चीजें यहां पे कलेक्टिवली आती हैं। वर्ल्ड में 13% हम प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। और उसके बाद एक और अच्छी बात याद रखनी है कि इनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा नेशनल हॉर्टिकल्चर कल्चर मिशन की शुरुआत भी करी गई थी। एक एक करके की इंग्रेडिएंट देखते हैं कि कहां कहां पे किसका उत्पादन किया जाता है। जो मैंगोज होते हैं वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में उगाए जाते हैं। और महाराष्ट्र में अभी अभी एक जीआई टैग दिया गया था, अल्फांसो मैंगो ऑफ रत्नागिरी, रत्नागिरी का अल्फांसो मैंगो को जीआई टैग आपने दिया था। मैंगो आम हमारा राष्ट्रीय फल भी है, क्लियर, एक पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी में भी आप उसके सदस्य हो। दूसरा है ऑरेंज, ऑरेंज का उत्पादन कहां पे किया जाता है, नागपुर के संतरे सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, अगेन महाराष्ट्र, सिट्रस फ्रूट की वैरायटी है। और आपके पास चेरापूंजी मेघालय में भी जो वाइल्ड ऑरेंज है उनका प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है बनाना, केला, इनका उत्पादन कहां पे किया जाता है, केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में किया जाता है, क्लियर। आपने वो पोयम तो सुनी होगी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, किसी को नहीं बताता हाथी, आप भी किसी को नहीं बताते, मतलब आप कौन हो आप खुद ही समझ जाओ, क्लियर। तो यहां पे क्या हो गया, बनानास। उसके बाद क्या है, लीची और गुआवा, इनका प्रोडक्शन कहां पे किया जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में किया जाता है। स्ट्रॉबेरी बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट कौन सा है, जो पाइनएप्पल्स होते हैं ये मेघालय में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करे जाते हैं। जो ग्रेप्स होते हैं ये ग्रेप्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, विटीकल्चर मैंने आपको बताया था ग्रेप्स के उत्पादन से संबंधित था आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद एप्पल्स जो होते हैं, जो पियर्स होते हैं, जो ये सारे के सारे वॉलनट्स वगैरह, ये जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में जो है कल्टिवेट करे जाते हैं। तो एप्पल्स होते हैं, अगर आपको कभी भी हिमाचल प्रदेश या जम्मू जाने का मौका मिले तो रिक्वेस्ट करके उनकी फील्ड में जाकर जरूर विजिट करना और डाली पे लगा हुआ एप्पल जरूर खाना एक बार। जब खाओगे तब आपको पता चलेगा, जैसे हम फिज को हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, शायद आपने पिया होगा, बिल्कुल सेम टू सेम टेस्ट होता है, एकदम बहुत ही प्यारा टेस्ट होता है। हमारे यहां जो एप्पल आता है वो 1 से 1.5 महीने के बाद आता है, तब तक उसकी सुक्रोज डिग्रेड हो चुकी होती है और उसके बाद हम खाते हैं तो एप्पल इतना ज्यादा टेस्टी नहीं होता। तो एक बार जरूर से जरूर जाके एप्पल खाना। और एप्पल का कलर कैसा होता है, लगभग लगभग गोल्डन जैसा होता है, क्लियर। इनका कलर कैसा होता है, गोल्डन शेड में इनका कलर होता है। तो इसकी वजह से जो एप्पल का कल्टीवेशन या हॉर्टिकल्चर का क्रॉप जो होता है उसके कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने गोल्डन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी है, स्वर्णिम क्रांति की शुरुआत करी है, क्लियर। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित था,
उसका संबंध किससे था, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन का, उसका संबंध था जूट को कल्टीवेशन का बढ़ावा देने के लिए। लेकिन जहां गोल्डन है, सिर्फ गोल्डन है, तो वो कौन सा हो गया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का मिशन है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं कुछ टॉप प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, उन टॉप प्रोड्यूसर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले क्रॉप्स और लार्जेस्ट स्टेट देखते हैं, इनसे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, सीधे प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन यहां से आते हैं। सबसे पहला जो केसर, दाने दाने में केसर का दम जो होता है वो कहां पे उत्पादित किया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में करेवा नाम के जो मैदान होते हैं वहां पे इसका उत्पादन किया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर, क्लियर। इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, आजकल जो है विमल पान मसाला बनाने में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप बुद्धू नावन है वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन दम, वहां पे ये नहीं लिखा होता दाने दाने में केसर, क्या लिखा होता है, दाने दाने में केसर का दम, मतलब वहां पे आपको मूर्ख बना दिया, क्लियर। तो यहां पे क्या हो गया, सैफरन का कल्टीवेशन जम्मू कश्मीर, ब्लैक पेपर जो होती है वो केरला में, कार्डमम केरला में, कार्डमम की पहाड़ियां भी केरला, तो इन दोनों के कारण केरला को हम क्या बोलते हैं, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया या स्पाइस गार्डन ऑफ वर्ल्ड भी इसे बोला जाता है, विश्व का मसालों का बगीचा किसको बोला जाता है, केरल को बोला जाता है। जिंजर के पास जाते हैं अदरक, ये कहां पे है, मेघालय, क्लियर। उसके बाद हम जाते हैं क्यूमिन, जो जीरा होता है वो राजस्थान में उगाया जाता है, क्लोव जो होती है वो तमिलनाडु में उगाई जाती है। एक और बात याद रखना, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो क्लोव है वो तंजानिया में जिंजीबार और पेम्बा नाम के दो द्वीपों में उगाई जाती है, इसलिए हम उन्हें लॉन्ग द्वीप भी कहते हैं। कौन कौन से, जिंजीबार और पेम्बा, मैप में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जल्दी ही हम मैप सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल मत लेना, एक एक कॉन्टिनेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सटेंसिवली हम उसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास है, चिली मिर्ची, जब आपकी कोई बुराई करता है जो आपको लगती है उन्हें कहते हैं चिली, ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट आपके पास है टर्मरिक, हल्दी, क्लियर, जो आंध्र प्रदेश है वहां पर टर्मरिक सबसे ज्यादा उगाई जाती है, क्लियर, ये शादियों में अधिकतर यूज करी जाती है, हल्दी लगाई जाती है, क्लियर। उसके बाद मैंगो है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन अल्फेंजो मैंगो सबसे ज्यादा कहां पे उत्पादित किए जाते हैं, महाराष्ट्र में। बनानास तमिलनाडु में, एलिफेंट की पॉपुलेशन भी वहां पे बहुत ज्यादा है। ग्रेप्स जो आपके पास है महाराष्ट्र, गुआवा जो है मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, इसको याद रख लेना। लीची है वो बिहार में उगाई जाती है, जो जैक फ्रूट होता है, कटहल होता है असम में, कैजू नट जो होता है वो महाराष्ट्र, जनरली हम कंफ्यूज कर जाते हैं कर्नाटका से, जो काजू होता है वो महाराष्ट्र में ही उत्पादित किया जाता है, इस बात को याद रखना। आंवला जो होता है वो उत्तर प्रदेश में, पपाया गुजरात में, पाइनएप्पल वेस्ट बंगाल में, कोकोनट केरला में उत्पादित किया जाता है, क्लियर। पोमीग्रेनेट जो होता है वो महाराष्ट्र में, वॉलनट जो होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में, जो ऑरेंज जो होते हैं वो आंध्र प्रदेश जो आपके पास है, और जो एप्पल है वो जम्मू एंड कश्मीर में उत्पादित किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है, अपलोड कर दूंगा, एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा। पूछा कौन सा गया था, जम्मू एंड कश्मीर सैफरन कई बार पूछा जाता है, इसको एक्सक्लूसिवली याद रखना है, और जो आपका जो कैजू नट है उसको भी आपको याद रखना है, क्लियर। ये सारी चीजें आपको याद रखोगे तो अपने आप, स्पाइस गार्डन किसे कहते हैं, केरला को कहते हैं, ये यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद रखने थे, क्लियर। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मैंने आज आपको पढ़ा है। इसके बाद इन सबको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि अब जो हमारा जो टॉपिक है जो हो चुके हैं वो मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि यहां से नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्या होता है, फर्स्ट, दूसरा इंडियन एग्रीकल्चर की हमने विशेषताएं देखी, तीसरा हमने क्या देखा था कि इंडियन एग्रीकल्चर के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हमने देखे थे, इसके बाद हमने क्या देखा था कि इंडियन एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स हैं उनके तीन सीजन होते हैं, रवि, खरीफ और जैद। उसके बाद इंडियन जो एग्रीकल्चर है उसमें चार टाइप की फसलों को बोया जाता है, उन चार टाइप की फसलों को हमने डिटेल में पढ़ लिया। तो मेजर एग्रीकल्चर जो बाकी सारे लेक्चर्स में आपने देखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फसलें पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप यूपीएससी और पीएससी पढ़ रहे हो तो आपको उसके आगे भी पढ़ना पड़ेगा, उसके आगे भी, क्योंकि ये तो सिर्फ झांकी है और पिक्चर अभी क्या है, बाकी है, पूरी की पूरी पिक्चर अभी हम देखने वाले हैं। तो सारी फसलें ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दी, एक बार आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि स्क्रॉल जरूर करना, पीपीटी में अभी अपलोड कर दूंगा। यहां से क्या हो जाएगा, सेकंड जो पिलर है वो स्टार्ट हो जाएगा। पिलर क्या है, इंडिया में प्रॉब्लम क्या थी एग्रीकल्चर में, उसका सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, वो यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। और उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑलरेडी मैंने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का एक वीडियो अपलोड करके
करके रखा हुआ है। भारत में जो क्रांतियां हैं, कृषि की क्रांतियां हैं, उनका लेक्चर मैंने अपलोड करके रखा है। जब ये वीडियो अपलोड होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डालूंगा, एक बार जाके जरूर से जरूर आपको उसको देखना है। वहां से प्रीलिम्स से एक ना एक क्वेश्चन आपको बनता हुआ मिलता है और हमेशा मिलता ही रहेगा, और वो मैं दोबारा एफर्ट लगा के आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो उस वीडियो को आपको जरूर से देखना है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा। अदरवाइज जो अब आप चैनल खोलोगे वहां पे मिसलेनियस नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस मिसलेनियस नाम की प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, उसको जाके देखना। भारत में कृषि क्रांतियां नाम का टॉपिक है, क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि अब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये क्या करता है, इंडिया की जो जितनी भी एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा देने का काम करता है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था, 16 जुलाई 1929, आजादी से पहले इसको बना दिया गया था। हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोलते थे, अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च बोलते हैं। ये क्या करता है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर जाता है और ये इंडिया में सारी की सारी एग्रीकल्चरल रिसर्च को करता है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से क्वेश्चन ये बनता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, दो क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। इसके बाद मैं ये ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां पे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी किसी भी डाटा में फंस जाओ, मतलब ए पर्सन आपसे बोल रहा है कि इतना परसेंट, बी पर्सन बोल रहा है इतना परसेंट, तो दो फॉर्मल रिसोर्स होते हैं जहां पे आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो। वन इज इकोनॉमिक सर्वे, अगर इकोनॉमिक सर्वे में डाटा है तो वो मोस्ट वैलिड है। दूसरा जो है वो है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इस टॉपिक इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाने वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो मोस्ट वैलिड मानी जाती हैं एग्रीकल्चर के बेसिस पे, क्लियर। तो आज के लिए हमारा इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन, प्रॉब्लम्स विद इंडियन एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे और गवर्नमेंट के रीसेंट जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे भारतीय कृषि विकास योजना जो आपके पास है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये कुछ मिशन हैं जो सीधे आपके PSC UPSC और आपके एग्जामिनेशन, विभिन्न एग्जामिनेशन जो हैं उनमें हमेशा से ही पूछे जाते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से विजिट करें। कोई डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जो ज्ञान है वो हमेशा बांटने से बढ़ता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।